तो गाइज आज का जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं मसल नेक्टर 100% वे प्रोटीन को रिव्यू करूँगा। बनाना क्रीम फ्लेवर है मेरे पास। तो जैसे कि मैं अपने सारे रिव्यू वीडियो में करता हूँ, आपको ब्रांड के इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ, उसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बताता हूँ, पर वो चीज़ यहाँ पे मैं कम्प्लीटली स्किप करूँगा क्योंकि मसल नेक्टर के ब्लेंड वे यानी कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू और इनके आइसोलेट वे प्रोटीन का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो बेसिकली ये जो रिव्यू है ये मैं फिर से कर रहा हूँ, बेसिकली री रिव्यू है, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बोलते हैं कि सर कुछ वे प्रोटीन का रिव्यू आपने बहुत टाइम पहले किया था, तो आप फिर से जो है कुछ ब्रांड्स को कंसिडर करिए और वापस से उनका रिव्यू करिए। तो वो चीज़ भी मैं कर रहा हूँ, कुछ ब्रांड्स के रिव्यू वापस से कर रहा हूँ, ये सिलसिला जारी है, आप लोगों के रिक्वेस्ट के आधार पर करता रहूँगा। तो गाइस इंट्रो पार्ट देखने के लिए आप मेरे पहले का वीडियो रेफर कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो ये एक ब्लेंड प्रोटीन है जिसका प्राइमरी सोर्स वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है और फिर इसमें थोड़ा सा वे प्रोटीन आइसोलेट डाला गया है। इमल्सीफायर में ये लोग सनफ्लावर लेसिथिन का इस्तेमाल करते हैं जो कि मिक्सेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए काम आता है। फिर फ्लेवर्स ऐड करते हैं, इन्होंने 5 तरीके के एंजाइम्स डाले हैं जो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे, और प्रोडक्ट की स्वीटनेस के लिए इन्होंने नेचुरल स्वीटनर यानी कि स्टीविया का भी इस्तेमाल किया है और आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कि सुक्रालोज का भी इस्तेमाल किया है। कुछ खास चीज़ें इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो इनके सारे प्रोडक्ट में कॉन्स्टेंट रहती है वो है कि ये अपने किसी भी प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल कलर, कोई भी चीप फिलर जैसे कि माल्टोडेक्सिन हो गया, थिकनर या प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करते हैं। तो उनके सारे प्रोडक्ट आपको इन सब चीज़ों से जो है फ्री मिलते हैं। अब गाइस बात करते हैं आगे और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की तरफ भी झांक लेते हैं। तो इनका जो एक सर्विंग साइज़ है वो 33 ग्राम्स का है। इन्होंने साइड में लिख रखा है कि इनका सर्विंग साइज़ जो है हीपिंग स्कूप का है 33 ग्राम्स का, जिसमें कंपनी आपको प्रोटीन ऑफर करती है 73% यानी कि 24 ग्राम्स प्रोटीन पर स्कूप। कार्बोहाइड्रेट पर सर्विंग आपको 4 ग्राम्स मिलता है और फैट यहाँ पर आपको 1 ग्राम मिलता है। ये हो गए न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात। अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग की बात करें तो वो भी इन्होंने न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बगल पूरी डिस्क्लोज कर रखी है और इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग का टोटल 22 ग्राम्स आता है, इनके प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग का टोटल 24 ग्राम्स आता है। तो 2 ग्राम का डिफरेंस है इनके अमीनो एसिड पर सर्विंग के टोटल में और प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग के टोटल में। ये डिफरेंस क्यों है आप कंपनी को ईमेल करके कन्फर्म कर लीजिएगा। बात करता हूँ इनके फिल्ट्रेशन टेक्निक के बारे में। तो उन्होंने अपने वेबसाइट में लिखा है कि इनका जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक से इनका वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट जो है डिराइव किया गया है, जो कि नेचुरल मेथड है आपके वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका वे प्रोटीन डीनेचर्ड नहीं होता और आपके वे प्रोटीन में मौजूद तत्व जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सब फ्रैक्शंस और लैक्टोफेरिन्स रहते हैं वो बरकरार रहते हैं। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि 33 ग्राम्स का हीपिंग स्कूप ये मेंशन करते हैं, मेरे किचन विंग स्केल में जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अब गाइस बात करते हैं इनके मिक्सेबिलिटी के बारे में। तो देखिए मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की अच्छी है, 10 से 15 सेकंड में ही आपको स्मूथ और लम फ्री शेक मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, इस वे प्रोटीन को जब भी आप मिक्स करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ्रॉद मिलेगा, बहुत ज़्यादा झाग मिलेगा। देखिए लोग इसे नेगेटिव सेंस में लेते हैं, पर मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ब्रांड में अगर आपको झाग मिल रहा है वो चीज़ अच्छी है, वो वे प्रोटीन की प्योरिटी को डिफाइन करता है। उसे आप नेगेटिव सेंस में ना लें, उसे आप पॉजिटिव सेंस में लें। हाँ अगर फ्रॉथ बन रहा है तो उसे आप थोड़ी देर सेटल डाउन हो जाने दें, वो फ्रॉथ थोड़ा कम हो जाने दें या ख़त्म हो जाने दें, उसके बाद आप वे प्रोटीन पिए। क्योंकि अगर फ्रॉथ सहित आप वे प्रोटीन पी लेंगे तो आपको गैस, स्टमक पेन, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है और आपको लगेगा यार ये प्रोटीन बेकार है। पर गैस कोई भी वे प्रोटीन जिसमें फ्रॉथ बनता है उसे आप नेगेटिव सेंस में प्लीज़ ना ले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो देखिए गाइस टेस्ट इसका ऑन अ फेयर साइड है, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली अपना ओपिनियन बताऊंगा, कोई बहुत ज़्यादा वाओ टेस्ट नहीं है बट फेयर साइड पे है, ठीक है। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में भी। तो अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट आपको 1 kg 1799 का जाएगा, जिसमें आपको टोटल मिलते हैं 30 सर्विंग्स। अगर आप पर सर्विंग का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक सर्विंग 60 rupees की जाती है, जिसमें कंपनी आपको 24 ग्राम्स फ्लेवर्ड ब्लेंड प्रोटीन जो है ऑफर करती है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। मैंने इसका सैंपल एक NABL अक्रेडिटेड लैब में दिया था और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार
इसमें पाया गया है 78% प्रोटीन, मतलब पर सर्विंग आपको यहाँ पे लगभग 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। कंपनी 24 ग्राम्स प्रोटीन क्लेम करती है, मेरे लैपटॉप रिपोर्ट में आपको 1 ग्राम ज़्यादा यानी कि 25 ग्राम्स मिल रहा है। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसे कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी वो ये है कि इन्होंने अपनी पैकेजिंग जो है नई करी है, मतलब पैकेजिंग में थोड़े चेंजेस किए हैं। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इन्होंने डबल सील दिया है। ये देखिए, एक सील तो आपको जो है ये जो आपको नॉर्मल पैकेट मिलता है वो है, इसके अंदर उन्होंने एक पैकेट और दिया है जिसमें सील फिर से है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें भी तो बेसिकली डबल सील है। एक सील यहाँ है इस वाले पैकेट में और एक सील आउटर वाले पैकेट में है। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है क्योंकि दो दो सील रहता है तो प्रोडक्ट जो है फ्रेश रहता है, सेफ़ रहता है। आजकल के पाउचेज ऐसे आते हैं कि सील होता ही नहीं, कभी कभी सीलिंग मैकेनिज्म जो है वो फेल हो जाता है, इसीलिए डबल सीलिंग मैकेनिज्म आई थिंक एक अच्छी चीज़ है। बात करें दूसरे पॉजिटिव पॉइंट के बारे में तो मेरी लैपटॉप रिपोर्ट अच्छी है, इनके प्रोटीन कंटेंट को जस्टिफाई करती है। बात करूं तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की तो फिल्ट्रेशन मेथड जो है इनका नेचुरल है। बात करूं चौथे पॉजिटिव पॉइंट की तो इंग्रेडिएंट्स इनका फुली डिस्क्लोज है, नीट एंड क्लीन है, कोई भी फिलर, थिकनर, प्रिजर्वेटिव्स और कलरिंग ये ऐड नहीं करते हैं। इसे भी मैं पॉजिटिव में कंसिडर करूँगा। बात करूँ अब नेगेटिव की तो नेगेटिव देखिए, एक तो उनके अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग और प्रोटीन कंटेंट पर सर्विंग में 2 ग्राम का डिफरेंस है, जो मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। दूसरे नेगेटिव की बात करूँ तो देखिए, मुझे लगता है कि मसल नेक्टर को अब अपने फ्लेवर में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ मैं सारे फ्लेवर्स के लिए तो नहीं बोलूँगा, बट कुछ फ्लेवर जो मैक्सिमम लोग प्रीफर करते हैं, जैसे कि चॉकलेट हो गया, वनीला हो गया, जो कि काफ़ी यूनिवर्सल फ्लेवर है जिसे मैक्सिमम लोग खरीदते हैं, तो उन फ्लेवर्स में आई थिंक मसल नेक्टर को अब इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे वो फ्लेवर्स इनके अच्छे नहीं लगते। मैं बहुत पहले भी पिया हुआ हूँ, तो आई थिंक दे नीड इम्प्रूवमेंट इन सम ऑफ देयर फ्लेवर्स। और तीसरे नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू डिस्क्लोज प्रोटीन कॉन्टेंट ऑन एज इज बेसिस ऑल्सो, पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ ड्राई बेसिस पर डिस्क्लोज करते हैं। मेरे ख्याल से एज इज बेसिस पर भी करना चाहिए जो ये नहीं करते हैं। तो गाइज, ये मेरा कुछ अपना ओपिनियन था पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। टेस्ट सब्जेक्टिव हो सकता है, पर जो भी मेरी इंटरनल फीलिंग थी टेस्ट को लेके वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह इस बार भी आपको एक प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा लगा हो। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही अनबायस्ड रिव्यू वीडियो देखने के लिए और साइंटिफिक बेस्ड न्यूट्रिशनल वीडियोज़ देखने के लिए। आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। जय हिंद।